हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाइगर 3 फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा, इन्होंने अपने करियर में जितने भी फिल्में डायरेक्ट की है, आज के इस वीडियो में हम उन सभी फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने अपने करियर में कितनी फिल्मों को डायरेक्ट किया है और उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कभी आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाई देना ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। डायरेक्टर मनीष शर्मा की डेब्यू फिल्म थी बैंड बाजा बारात। बैंड बाजा बारात एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 10 दिसंबर 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा लीड रोल में थे और इस फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट रखा गया था 23 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 17.9 करोड़ का किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इन्होंने दूसरी फिल्म डायरेक्ट की थी लेडीज वर्सेस रिकी बहल। आप क्लासी चोर हो तुम। क्लासी, थैंक यू। चोर लेडीज वर्सेस रिकी बहल एक कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 9 दिसंबर 2011 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, परिणीति चोपड़ा और अदिति शर्मा लीड रोल में थे और इस फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट रखा गया था 20 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 32.57 करोड़ का किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस पर 49.40 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इन्होंने तीसरी फिल्म डायरेक्ट की थी शुद्ध देसी रोमांस। शादी करोगे मुझसे? थप्पड़ खाओगे मुझसे? जो है उसमें खुश रहो, ज्यादा पतंगे मत उड़ाओ। देसी रोमांस एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 6 दिसंबर 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के अंदर सुशांत सिंह राजपूत, परिणीति चोपड़ा, ऋषि कपूर और वाणी कपूर लीड रोल में थे और इस फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट रखा गया था 25 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 43.45 करोड़ का किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 75.20 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इन्होंने चौथी फिल्म डायरेक्ट की थी फैन। जब देखो आर्यन 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 फैन। फैन एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी और ये फिल्म 15 अप्रैल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के अंदर शाहरुख खान, श्रिया और सैनी गुप्ता लीड रोल में थे और इस फिल्म को मनीष शर्मा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का बजट रखा गया था 120 करोड़ और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में नेट कलेक्शन 84.10 करोड़ का किया था। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में बॉक्स ऑफिस पर 182.37 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो पर एक लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने मनीष शर्मा की डायरेक्ट की हुई कौन सी फिल्म देखी है और कौन सी फिल्म में उनका काम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था। तो मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।